अदा शर्मा की एक और किरण स्टोर जैसे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और रियल स्टोरी से इंस्पायर बस्तर मूवी थिएटर के अंदर रिलीज हो चुकी है, जहां पर हम इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन दिखाए गए। और बस्तर मूवी ए रेटेड फिल्म होने वाली है, जिसे फिल्म अडल्ट सर्टिफिकेट के साथ बनाया गया। तो अगर आप 16 साल से कम के हो तो आप ये मूवी नहीं देख सकते। और अगर आप एक कमजोर दिल वाले हो जिसे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल फिल्म देखना पसंद नहीं है, तो आपको बस्तर मूवी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन दिखाए गए। एनिमल तो इसके आगे एक बच्ची मूवी लगने वाली। तो आइए बात करते हैं बस्तर मूवी द नक्सल स्टोरी मूवी कैसी होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बस्तर मूवी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर है, जहां पर हमें छत्तीसगढ़ के बस्तर गांव की कहानी दिखाई गई है। बस्तर मूवी की शुरुआत में हमें कुछ रियल न्यूज दिखाई जाती है, जहां पर हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि बस्तर मूवी किस इवेंट पर होने वाली है। मूवी के अंदर हमें अदा शर्मा को दिखाया गया है, जो एक पुलिस ऑफिसर का रोल करने वाली है, और उन्हें नक्सलवादी से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है और उन्हें देखते गोली मार देना चाहती है। अब अदा शर्मा अपनी टीम के साथ उन सभी नक्सलवादियों को कैसे मारती है और वहां के गांव वालों को कैसे बचाती है, यही हमें बस्तर मूवी द नक्सल स्टोरी मूवी के अंदर दिखाने वाला है, जिसे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है। वैसे तो मूवी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया जिन्हें कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसे फिल्में बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा देशभक्ति के डायलॉग और देशभक्ति दिखाई गई है, जहां पर अगर आप उन लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो जो देश के खिलाफ देश में रहकर ही हिंसा करते हैं, तो आपको बस्तर मूवी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली मतलब कि हर देशभक्त को बस्तर मूवी पसंद आने वाली है, अगर वह है इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर सकता है तो तब, क्योंकि बस्तर मूवी के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जहां पर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट ने ज़्यादा कुछ भी काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि बस्तर मूवी को भी बजट ज़्यादा नहीं दिया गया, इसलिए फिल्म ऐसे निकल कर आई है। मूवी एक ए रेटिंग वाली फिल्म है, मतलब कि बस्तर मूवी को ए अडल्ट सर्टिफिकेट साथ बनाया गया है। अगर आप मूवी के अंदर वह ब्रूटल सीन देखोगे तो आप खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एनिमल मूवी के अंदर जो अजीज का कैरेक्टर दिखाया गया था, ये सबसे ज्यादा ब्रूटल माना जाता है, तो बस्तर मूवी के आगे बच्चा है, क्योंकि जो अडल्ट सीन हमें मूवी के अंदर दिखाया गया है, जो खून खराबा में इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, आप उसे देख नहीं सकते। लोगों को भेड़ बकरी की तरह काटा जा रहा है, इसी के साथ में एक बच्ची को तो आग में फेंक दिया जाता है, और जिन सीन को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, वैसे ब्रूटल सीन हमें मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। मूवी के अंदर हमें अदा शर्मा मेन रोल में देखने को मिलती है, पर उनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। हाँ, उनके परफॉर्मेंस से आप रिलेट कर पाओगे कि ऐसा ही कोई करेगा जब उसने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, पर आपने जितना भी अदा शर्मा की पिछली फिल्म देखी है, जहाँ पर वह सीखते चिल्लाते हुए नजर आती है, वैसे ही एक्टिंग आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। और बाकी जितने भी साइड कैरेक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं मूवी कैसे है। मूवी के डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह होने वाले हैं, और इसी के साथ वह इस फिल्म के प्रोड्यूसर सुदीप्तो सेन हैं, जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी मूवी बनाई थी। वैसे तो मूवी एक बहुत बेहतरीन फिल्म है, अगर आप इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया जाए तो, क्योंकि यह फिल्म वह स्टोरी हमें बताती है जो फिल्म मेकर हमारे सामने कभी नहीं रख पकाते, और वह इतने ज़्यादा ब्रूटल तरीके से आज तक इंडिया सिनेमा में ऐसे ब्रूटल फिल्म आपने कभी नहीं देखी होगी, और किसी रियल इवेंट को इतनी बुरी तरीके से और इतने ब्रूटल तरीके से दिखाना हर फिल्म मेकर की बात नहीं होती। तो मेरा वैसे बस्तर मूवी मेरे हिसाब से एक वन टाइम वॉच मूवी है, अगर आप देखना चाहते हो। अगर आपको केरला मूवी पसंद आई तो आपको यह मूवी पसंद आएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप भी कोई अपडेट मिस ना कर सके। जब तक ले मुझे दे दे इजाजत, बाय बाय।